अरे क्या कर सकते बस 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 हो गया यही चलता रहेगा। आप में से जो भी चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आज के सेशन का होना चाहिए वो अपने हाथ ऊपर करेंगे और वो बोलेंगे। अगर जेन्युइनली कोई बहुत तगड़ा टॉपिक है तो आपके पास है बोलिए। सर मैं हमारी सोसाइटी ऐसी है कभी भी कुछ भी काम करता हूँ सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों का, कुछ भी नया ट्राई करो सब जा। तो मैं आपके सेशन देख के एक दिन उस पर डटूंगा, दो दिन डटूंगा, तीसरे दिन यार डर लग रहा है ये वो, इस पे कैसे एकदम हम अपनी पावर बना सके कि डर नहीं है अब तो कुछ करना ही है। लोगों का भी कहने का यही डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, राइट। अगर आप सक्सेसफुल हो गए और फिर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कोई डर नहीं लगता है, उसमें तो मजा आता है ना सर, कहानी बन जाती है। अरे कहानियां बन जाती है और बहुत कुछ, और नेगेटिव कहानी बन जाए तो उससे डर लगता है, राइट। वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ नेगेटिव स्टोरीज अबाउट आवरसेल्फ्स नॉट अबाउट अदर्स। किसी और की कहानी है तो उसमें तो मजा आता है हमको, राइट। हाँ कि क्या हो गया वो अबॉर्शन क्लिनिक में क्या कर रही थी, ऐसी कहानियों में हमको बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर खुद हो तो अरे 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 ये क्या हो गया, राइट। अब लोग क्या कहेंगे कि इतना भी डर तो मेरे दोस्त जा रहे हैं ना, हम चार पांच इकट्ठे होकर जा रहे हैं गली में तो वो अब्यूजिंग करते हुए चलते हैं। लड़कियां छेड़ती हैं आपको? ये तो न्यूज़ है भाई। ये न्यूज़ मतलब हम चार पांच इकट्ठे होकर जा रहे हैं, ठीक है। आप चार पांच लड़के इकट्ठे होकर के जाते हो क्योंकि आपको लड़कियों से डर लगता है, समझ में आ रहा है। तो ना वो गली में गाली वाली देके मस्ती में चल रहे हैं। कौन, लड़कियां? नहीं दोस्त। अच्छा दोस्त। आप तो रिलैक्स हो गए, मुझे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, माइंड मत करना। अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक करूँ तो चलेगा ना, थोड़ा हंसी मजाक। आप भी मेरा मजाक उड़ा सकते हो, मैं भी थोड़ा बहुत चलता है। हाँ अब कौन बोलना चाहेगा, कोई अगर ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल डिफरेंट हो, आप बोलो। लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है और हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना है क्या है। सर ऐसा क्यों? आप लोग क्या करते हो, एक बहुत बड़ी गलती करते हो लाइफ में। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो बस वहां पर जाकर के अटक जाते हो। ये अटकना कहाँ से आया आपके अंदर, कभी सोचा है? बचपन में कभी अटकते थे? 36 चीजें आपको करने के लिए मना करते थे सुबह से रात तक आपके घर वाले, कभी अटकते थे? किसको मत गिराना, मत तोड़ना, मत तोड़ना, फिर भी तोड़ ही देते थे, होता था नहीं होता था? हाँ कि वहां पर मिट्टी में मत जाना खेलने के लिए, लेकिन आपको मजा ही मिट्टी में खेलने में आता था, है कि नहीं? कि बाहर वो कीचड़ है, वहां पे पता नहीं क्या होगा, सांप होगा, ये होगा, वो आपको कोई परवाह ही नहीं थी, कीचड़ में घुसे पड़े हो, होता था। बारिशें हो रही हैं, किए आपने ये लोग ये हरकतें करी हैं? मैंने बड़ी करी है। कि क्या होता था, हमारे घर के पास में पार्क होता था, वहां पे पूरा घुटने घुटने तक पानी आ जाता था, वो अब का मेरा घुटना, तब का आप लगा लो यहां तक। हाँ मतलब इतना पानी भर जाता था पूरा, और मैं छोटा सा था तो स्ट्रिक्टली मेरे को मना करती थी मेरी जो मदर है, मदर फादर, कि भाई नहीं जाना, जाएगा तो बहुत मार पड़ेगी तेरे को। लेकिन मैं अपनी साइकिल लेता था और ले जा करके वहीं पे उधर ही मुझे चलाना होता था, मजा आता था। कीचड़ में चलती नहीं थी साइकिल, बट रुक गए, गिर गए, गिरने में मजा आ रहा है, फिर बारिश हो रही है, ये हो रही है, हो रही है, क्या हो रहा है, समझ पा रहे हो? हमें कोई रोक नहीं पाता था, अब क्यों रोक लेता है आपको? आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है, इस कंडीशनिंग को तोड़ो और कोई नहीं तोड़ेगा। कुछ भी करने का सोचते हो, पता नहीं क्या एक्सक्यूज देने लग जाते हो, वो बोल रहे हैं उस वजह से मैं नहीं कर रहा हूं, वो बोल रहा है उस वजह से दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, ये सारी बातें कहां से आई आपके अंदर, किसने फीड करी है, ये कहां से आ रही है? ये सोसाइटी ने मिलकर फीड कर दी है, इस एजुकेशन सिस्टम ने आपके अंदर फीड कर दिया है, बड़ी बुरी तरह से कंडीशनिंग कर दी है कि जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है बस वो सही है, बाकी सारे गलत है। अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में बिठा दी है, आपके दिमाग में ना घुसा दी है, तो आप वो नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो।
आप सिर्फ वही करते हो जो दुनिया करवाना चाहती है, यही आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो, कुछ अलग नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में क्या बिठा दिया है, एक स्कूल चल रहा है, मान लो, अब आप बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, स्कूल में जो टॉप पे है या जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो कौन है, प्रिंसिपल, उसके बाद में कौन है, टीचर्स, और वहां पर जो लोग स्कूल का टॉयलेट साफ करते हैं वो लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपना काम अगर ना करें ढंग से क्या हालत होगी स्कूल की, कितना गंद मचेगा। सोचो पूरी अगर टॉयलेट गंदी पड़ी रहे और आप वहां पर जा रहे हो उन्हीं गंदे जूतों के साथ में क्लास में आ रहे हो और पूरी क्लास में स्मेल है, पूरे स्कूल में स्मेल है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी डीप। अगर ये पकड़ में आई तो आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे कभी भी। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, वो बंदा जो टॉयलेट को साफ कर रहा है या प्रिंसिपल? दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों अपना अपना काम अगर ढंग से करेंगे तभी वो स्कूल ढंग से चलेगा, नहीं तो स्कूल में गंद मच जाएगा। लेकिन दिमाग कैसा बना दिया आप लोगों का कि ये जो काम है ना ये छोटा है और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है, आपको भी प्रिंसिपल बनना है। अगर बनना है तो पहले टीचर बनना है, टीचर के मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है आपके माइंड के लिए, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप में से कोई सोचेगा कि मेरे को जितने भी स्कूल्स हैं उसके टॉयलेट साफ करने हैं? आया कभी किसी के दिमाग में ये इंटरेस्ट? आया क्यों नहीं आया? ये जरूर आया होगा कि मेरे को प्रोफेसर बनना है और फिर प्रोफेसर बनने के बाद में मैं बड़ा मेहनत करूंगा, फिर मेरे को प्रिंसिपल बनना है। ये सब खच्चरों की रेस है। अगर जेन्युइनली लाइफ में कुछ ढंग का करना है तो इससे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? हो सकता है आपके अंदर से आ रहा हो मुझे टॉयलेट साफ करने हैं, व्हाई नॉट, इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये जो टॉयलेट्स हैं स्कूल के, इसको इस तरीके से साफ करना है, देखो क्या होता है, देखो खच्चरों देखो। आ गया फ्लो, फ्लो में आ गया, बुरा मत मानना। हाँ। देखो कैसे सोचते हैं, समझ आए आपको, दिमाग खुले। मैं यही चाहता हूं इंडिया में जो आने वाली जनरेशन है उसका दिमाग खुले, दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का, उसी तरह से सोच रहे हैं जैसे सब सोच रहे हैं, तो सबके साथ वही हो रहा है जो सबके साथ में हो रहा है। सब दुखी है तो सब दुखी है, सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरे को प्रॉब्लम है तो सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कोई अलग कुछ कर ही नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अलग सोच नहीं है, अलग सोच क्या होती है इसको ध्यान से समझो। छोटी सी चीज आई मेरे अंदर कि क्या आई कि एक प्रॉब्लम है। अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और आपका ध्यान यहां पर चले जाए कि इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं निकाल सकता हूं, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो कोई लिमिट है? इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। खच्चरों की रेस से बिल्कुल अलग, मतलब करोड़ों खच्चर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आप बिल्कुल ही अलग हो, आप उस रेस में हो ही नहीं, यू आर आउट ऑफ दैट रेस। मतलब क्या आपने प्रॉब्लम फेस करी आपके स्कूल में, जो अब ये यहीं से आइडिया आया है, देखो अभी आया है, ऐसे सोचते हैं आइडिया के लिए। ये नहीं है कि हमको जा करके इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है और उस आइडिया को यहाँ पे कॉपी करें, ऐसे लोग सोचते हैं, या फिर कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको देखना होता है मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, अरे मेरा जो स्कूल था उसके अंदर जो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही गंदे थे। जेन्युइन प्रॉब्लम है या ये जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन प्रॉब्लम है। मान लो आप एक फीमेल हो और आप कहते हो कि मैं वहां पर जब जाती थी तो पूरी सीट वीट सब गंदी पड़ी होती थी स्कूल में, उसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते थे कई तरह के, फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोचो। बट कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सबको टीचर और प्रोफेसर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सबको लगता है वही काम अच्छा है, ये टॉयलेट साफ करने का भी काम कोई काम होता है, ऐसी दिमाग चलता है ना। ये फोटोग्राफी का काम भी कोई काम होता है, फोटोग्राफर बनके क्या करेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा क्या? बट ये फोटोग्राफर ही आपके सामने बैठा हुआ है। तो अब इसको ध्यान से समझना, आपके अंदर से आया कि मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी है और मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। बींग अ फीमेल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जहां भी जाती हूँ इंडिया में हर जगह टॉयलेट्स गंदे पड़े हैं, स्कूल्स में गंदे हैं, कॉलेजेस में गंदे हैं, पब्लिक प्लेस, सब जगह बुरा हाल है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो क्या मैं कोई ऐसी मशीन बना सकती हूँ, हाँ, या बाहर कहीं कोई ऐसी मशीन हो उसको मैं ढूंढ सकती हूँ, मान लो चाइना में ऑलरेडी है जो इंडिया में नहीं है, वहां से क्या मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ? ये इंपोर्ट सुनने में बड़ा बड़ा लगता है लेकिन आज के डेट में कुछ भी नहीं है। आपको अगर चाहिए तो वहां से 10 पीस अभी मंगा सकते हो। मतलब अगर 2000 रुपए की एक मशीन है तो 20,000 रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो गया है। और क्या ये मशीन जा करके मैं सेल कर सकती हूँ स्कूल्स में कॉलेजेस में और उनको ट्रेन कर सकती हूँ वहां पर जो लोग काम करते हैं?
कितना छोटा सा आइडिया है, सुनने में छोटा लग रहा है, यहां से आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो. यू कैन बिकम अ मल्टी मिलियनेयर. जो प्रोफेसर बनके आप पूरी जिंदगी में कमाने का सोच रहे हो, यहां से एक महीने में इधर उधर कर सकते हो. ऐसे सोचा जाता है, समझ गए? इसको बोलते हैं एक्चुअल इंस्पिरेशन. ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ अजीब सा आ रहा है करने का और मैं वो कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही. ना, एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपको समझ में आई, वो प्रॉब्लम जो आपने एक्सपीरियंस करी. अब आप समझ गए, अब आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्ट कर रहे हो. सो दिस इज राइट एक्शन. ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस ही नहीं करी लाइफ में और आप कह रहे हो कि मैं पैसा कमाने के लिए, मुझे संदीप महेश्वरी का मैंने सेशन देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. आप समझ रहे हो ना इंस्पायर्ड में और नॉन इंस्पायर्ड में क्या फर्क है? कि संदीप महेश्वरी का मेरे को आइडिया बड़ा बढ़िया लग रहा है, टॉयलेट में ना ये सप्लाई करो तो मैं क्या करूंगा, चाइना से मशीन्स मंगवाऊंगा और फिर बेचूंगा. आप जब जाओगे ना उन स्कूल्स में बात करने के लिए, कोई आपको अंदर घुसने भी नहीं देगा. अगर घुसने भी दिया, आपको बुला करके बोलेंगे, हाँ भाई बताओ क्या करना चाहते हो, तो आपसे बात करेंगे और आपको चल भाग यहाँ से, तेरे ऐसे बहुत आते हैं सुबह से रात तक यहाँ पे पैसा कमाने के लिए. बट इफ़ यू आर इंस्पायर्ड, क्योंकि आप एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हो विच यू स्ट्रांगली बिलीव इन, चाहे वो बिलीव नहीं करते हैं. हो सकता है वो जो सामने बंदे बैठे हैं, जो मैनेजमेंट बैठा है स्कूल का, वो बिलीव नहीं करता है. वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, टॉयलेट साफ हो तो रहा है, क्या जरूरत है इस मशीन की हमको. बट यू बिलीव इन दैट. आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलोगे वहां पर. मैम व्हाट एवर आई एम सेइंग इट्स ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, आई फेस्ड इट, मुझे पता है मैं इसको बेटर कर सकती हूं. आप ऐसा करो, फ्री ट्रायल ले लो, लेट मी डू इट, जस्ट सी इट फॉर फ्यू डेज. अगर आपको लगता है कि सही है तो आपके स्कूल में मान लो 10 टॉयलेट्स है तो आप 10 के लिए ले लेना, 10 मशीन का ऑर्डर मुझे बाद में देना, पैसे मुझे बाद में देना. अभी ये एक मशीन मैं यहां पर दे रही हूं और फ्री में उनको ट्रेन कर रही हूं. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्टूडेंट्स. फिर भी आपको लेनी है लो मशीन, नहीं लेनी तो भाड़ में जाओ, ऐसा मन में बोलोगे, उनको नहीं बोलोगे नहीं तो धक्के देके बाहर निकालेंगे. समझ गए? ये क्या है, किलर एटीट्यूड है. ऐसे एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है. कि मैं ये जो आपको दे रहा हूं या जो मैं आपको ये ऑफर कर रही हूं, ये आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं है. क्योंकि आपके जैसे हजारों स्कूल्स और हैं, हजारों कॉलेजेस और हैं, आप नहीं लोगे तो और कोई लेगा. मुझे कोई नहीं रोक सकता इसमें आगे बढ़ने से, मुझे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है. आज नहीं तो कल आप खुद चल करके मेरे पास में आओगे ही आओगे, जब आप देखोगे और स्कूल्स में और बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है, कि जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ना कम हो जाएंगे, उनकी छुट्टियां होनी कम हो जाएंगी. समझ पा रहे हो? उसकी वजह से आपके जो स्कूल है उसकी ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव होगी, दिस इज व्हाट दे वांट. उनकी हेल्थ अच्छी होगी. इसमें आपका जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं है. सपोजिंगली आपने 2000 की वो मशीन बाहर से मंगवाई है, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, 5000 रुपए की मशीन है, स्कूल के लिए क्या है? 5000 रुपए तो फीस है आज की डेट में स्कूल की. समझ गए? तो एक स्कूल में अगर आपने 5000 की 10 मशीन भी दी तो 50000 रुपए आपके पास में एक स्कूल से आया. इंडिया के अंदर हजारों स्कूल्स हैं और हजारों कॉलेजेस हैं, लाओ दिमाग कितना कमा सकते हो. ऐसे सोचते हैं. बट ये कब कमा पाओगे? ये नहीं कि मेरी वीडियो को देखा और कमाने निकल गए, बाहर कर देंगे खच्चरों को. समझे? कौन लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं? वो जो अंदर से इंस्पायर्ड है, जो चार्ज्ड है. समझ पा रहे हो? सपोजिंगली आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपके सामने कोई ऐसी कोई पर्सन बैठी हुई है हु स्ट्रांगली बिलीव इन इट, तो आपका जो बिलीफ है, आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट बिकम्स इन्फेक्शियस. वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा प्रिंसिपल, वो नहीं बिलीव करता है उसके अंदर. बट आपकी एनर्जी देख करके वो एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी. जैसे आपने नोट किया होगा कि किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेकर के, आप भी एक्साइटेड हो जाते हो. हाँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो उसकी भी सोच आपकी डायरेक्शन में चल पड़ेगी. वो प्रिंसिपल क्या कहेगा या क्या कहेगी, आप कर लो जो करना है, जो आपको ठीक लगता है कर लो, कोई बात नहीं. समझ गए? ऐसे सोचा जाता है. ये कैसे सोच पाया मैं? लगाओ दिमाग, मैं ऐसे कैसे सोच पाया? आपके घर वाले ऐसे सोच पाते? आप सोच पाते कि मुझे टॉयलेट क्लीनर बनना है, मुझे जमादार? अल्टीमेटली आप क्या हो? जमादारी तो हो, मशीन बेच रहे हो वहां पे, अल्टीमेटली जमादारी का ही काम कर रहे हो. कोई पूछेगा किस इंडस्ट्री में हो आप? टॉयलेट क्लीनिंग में. बट इसका इंपैक्ट कितना तगड़ा है. अब मेरे को यह सुन करके एक्साइटमेंट क्यों आ रहा है? मैं इतना चार्ज्ड अप, आपको देख रहा होगा मेरी आंखों के अंदर, मैं चार्ज्ड हो रहा हूं इसको सुन सुन करके. मेरे को आइडिया बड़ा मजेदार लग रहा है कि मैं करूंगा नहीं पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. क्यों अच्छा लग रहा है? आपको क्यों अच्छा लग रहा है? कभी ध्यान से अपने आप को समझोगे तो, अपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझोगे, आपको हो सकता है इसलिए अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप कहोगे यार इसमें तो बड़ा पैसा है, करना कुछ भी नहीं है,
है ना, कोई यूनिक सी मशीन ढूंढनी है, बाहर से मंगानी है, आजकल तो गूगल के ऊपर है, वहां पर जाओ जाकर के सर्च करो, 5 मिनट में हमको ऑप्शंस मिल दिख जाएंगे, वहां पे ऑर्डर प्लेस करो, सैंपल मंगाओ और ला करके उसको टेस्ट करो, जा क्या रहा है करने में, कुछ भी नहीं. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. मैं क्यों चार्ज अप हो रहा हूँ, इससे बच्चों का कितना फायदा होगा. एक मिनट रुक जाओ, समझ पा रहे हो ना. तो ये जो मेरी एनर्जी है, अगर मैं चला गया किसी स्कूल में या कॉलेज में, उनका बाप भी लेगा ये मशीन. मैं बता रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ ना किसी डील को क्रैक करने के लिए, बहुत तरह के काम करे, बहुत कुछ किया है, तो जब मैं जाता था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता था कि यार मैं या तो हाँ करूँगा, मैं मना करूँगा, सामने वाला नहीं कर सकता, मुझे देखना है कि मुझे इसको ये बेचना है नहीं बेचना है. ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है और मुझे पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है, और मुझे पता है कि वो सोल्यूशन इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है. औरों की तरह नहीं है कि पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना. समझ गए, ठीक है, पैसा जरूरी होता है, पैसा आना अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा बुरा लगता है, पैसा ज्यादा हो तो बुरा नहीं लगता है, बट मैं कह रहा हूं मेरे को एक्साइट नहीं करता है पैसा. इट नेवर एक्साइट्स मी कि पैसा आ जाएगा, अच्छा ठीक है फिर देन व्हाट, बट द वर्क दैट आई एम डूइंग, उस वर्क का जो इंपैक्ट आ रहा है दैट एक्साइट्स मी. तो ऐसे ही यहां पर मुझे क्या एक्साइट कर रहा है कि टॉयलेट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. सोचो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उसको इमेजिन करो, उस प्रॉब्लम को देखो, रियलिटी को देखो. छोटे छोटे बच्चे वो किसको बोलेंगे, वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी एक स्टेज के बाद में जाकर के बोलते हैं बच्चे इधर उधर फैला देते हैं टॉयलेट वॉयलेट, बच्चे ही फ्लश नहीं चलाते, हम क्या करें, हम भी कितना क्या करेंगे. समझ गए ना, अब वो बच्चे हैं. तो अगर इस प्रोग्राम में आप बच्चों के लिए भी एक क्लास कंडक्ट करो, मतलब मुझे ऐसी चीजों में मजा आता है सोच करके कि हम सिर्फ इसको यहाँ पे वॉशरूम में इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे जो स्कूल में है उनके लिए भी हमने एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, वो हम आपके बच्चों को दिखाएंगे. मतलब या तो उनको प्रैक्टिकली एक क्लास देंगे ताकि उनको हाइजीन के बारे में बेसिक सी चीजें हम समझाएंगे, सिर्फ 15 मिनट की क्लास होगी, वो आप हमको एक बार कर लेने. तो मतलब हम आपके वॉशरूम को ऐसा बना देंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा देख करके स्कूल का वॉशरूम आपका कि किसी 5-स्टार होटल के वॉशरूम में आ गए हैं. इससे बच्चों की लाइफ में कितना मेजर डिफरेंस आएगा आने वाले टाइम में, कितना बड़ा इंपैक्ट है. अगर इस रेवोल्यूशन को मैं शुरू करता हूं तो जैसे ही ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होगी और भी लोग आ जाएंगे इस फील्ड के अंदर. आने दो ना, अल्टीमेटली क्या होगा, जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा. मतलब कि इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब जो जगहें हैं, वहां पे पूरी तरीके से नजारा बदल जाएगा. किसकी वजह से बदलेगा, मेरी वजह से बदलेगा. देख रहे हो, ये होती है पावर्स, यहां से पावर्स मिलती है. That gives you energy. अलग ही लेवल की एनर्जी आती है. अब ये सब जो मैं कर रहा हूं इसमें मुझे कहां से एनर्जी मिलती है, पैसा, अरे ले लो सारा पैसा, पैसे वैसे का किसको पड़ी है, कहां से एनर्जी मिलती है. कि जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं तो मर मरा गया हूँ, लेकिन 50 साल बाद क्या हो रहा होगा, वहां मेरा दिमाग चल रहा है, जो लोग आएंगे उनका दिमाग कैसा होगा, कैसे सोच रहे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कैसे शेयर कर रहे होंगे, कैसा उनका थॉट प्रोसेस होगा, कैसी ये दुनिया होगी, और इस नई दुनिया की शुरुआत कहां से हो रही है. That gives me courage.